बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत ही अद्भुत दुर्ग था। उस दुर्ग का नाम छत्तीसगढ़ था। यह दुर्ग इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उस दुर्ग में 36 छोटे छोटे दुर्ग थे। उन 36 दुर्गों में केवल 6 ही फाटक थे। उन फाटकों की यह विशेषता थी कि यदि एक फाटक पर खड़े होकर कुछ भी कहा जाता तो बोले गए शब्दों को दीवारें पकड़ लेती थीं। उसे सारे फाटकों पर सुना जा सकता था। उस अवैध दुर्ग में राजा सूर्य कुमार रहते थे। वैसे तो दुर्ग की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात थे, किंतु उस दुर्ग की रक्षा का असली भार एक तोते पर था। वह तोता राजा का बहुत ही अच्छा मित्र और उनका सबसे वफादार इकलौता सलाहकार था। वह तोता मनुष्यों की तरह बोल सकता था। उसे कई भाषाएं आती थीं। वह छत्तीसगढ़ में बने एक पिंजरानुमा महल में अकेला ही रहता था। उस तोते की एक ख़ास विशेषता थी कि भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं का उसे पता चल जाता था और वह तुरंत राजा को अच्छी बुरी घटनाओं की सूचना दे देता। उस तोते ने राजा को सेनापति, मंत्री और दूसरे शत्रुओं के षड्यंत्र से कई बार बचाया। राजा भी उस तोते के अलावा न किसी और से सलाह लेता और न किसी की बात मानता। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा के मंत्री और सेनापति तोते के दुश्मन बन गए। और जहाँ तक महारानी की बात थी, उन्हें तो वह तोता फूटी आँखों नहीं भाता था, क्योंकि राजा तोते के जाल में फंसकर राजमहल में बहुत कम आते और जब कभी आते तो बहुत सारी चिंताओं से घिरे रहते। इसलिए महारानी जी उस तोते को रास्ते से हटाने का उपाय सोचती रहती। वैसे तो उस तोते से सब परेशान थे, मगर सारे मिलकर भी उस तोते का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वे जो कुछ भी साजिश तोते के खिलाफ रचते, तोते को उसका तुरंत पता चल जाता। फिर उस षड्यंत्र में शामिल होने वालों को राजा का कोपभाजन बनना पड़ता। तोता जिस अद्भुत महल में रहता था, वह महल 36वें दुर्ग में स्थित था, लेकिन इसके जाने का रास्ता राजा के अलावा कोई भी नहीं जानता था। 36 दुर्गों में केवल 6 ही रास्ते थे और उन पर सैनिकों का कड़ा पहरा था। फिर भी जरा सी बात तोते के कानों तक पहुंच जाती। ऐसे में तोते को वश में करना या उसे मौत के घाट उतारना असंभव था। एक दिन महारानी ने मंत्री को बुलवाया। उसे बुलवाने में महारानी ने पूरी सावधानी बरती, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राजा को इस बात का पता न चल जाए। इसलिए मंत्री महल के गुप्त रास्ते से आया था। महारानी ने मंत्री से कहा कि हमारे पास इतने सारे गुप्तचर होते हुए भी हम उस तोते का पता तक नहीं लगा सके। अब इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मंत्री बोला, आपने दुरुस्त फरमाया, मैं बहुत जल्द ही कुछ न कुछ करता हूँ। महारानी बोली, मुझे अति शीघ्र इस तोते रूपी विपत्ति से छुटकारा चाहिए। मंत्री ने कहा, महारानी, तोता जिस महल में रहता है वहाँ राजा जाते हैं या दासी। मैंने सुना है वह दासी रोज़ तोते को खाना खिलाने जाती है और तोते के देखभाल के सारी जिम्मेदारी उसी दासी की है। अगर वह दासी किसी तरह आपके महल में आ जाए तो काम बन जाए। रानी ने कहा, ठीक है, मैं उस दासी का पता करूंगी। यह सुनकर मंत्री बहुत ही खुश हुआ। वह तो यही चाहता था कि उसकी महारानी से साठ गांठ हो जाए, ताकि वह राजा के तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच सके। अपने महल लौटने पर मंत्री बहुत ही खुश था तथा राजा बनने की कल्पना में खोया बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर चौंका। देखा तो खिड़की पर वह तोता बैठा था।
वह कुछ करने की सोच ही रहा था कि तभी तोता कागज़ का एक पर्चा गिराकर वहां से 9-2-11 हो गया। मंत्री ने कांपते हाथों से वह पर्चा उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बुराइयों से बचो और जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारे 4 कानों की बात अब 6 कानों तक पहुंच चुकी है। मंत्री को जिस बात का डर था वही हुआ। खत पढ़कर मंत्री को पता चल गया कि तोते को सारा भेद मिल चुका है। उधर महारानी ने अपनी खास दासी को बुलाया और उसे धीमे से सारी बातें समझा दी। दासी ने सोचा कि अपनी लड़की और उसकी सहेली को महल में छोड़ देगी और वे दोनों आसानी से उस दासी से घुल मिल जाएंगी और उसे किसी तरह बहला फुसला कर महारानी के पास ले आएंगी। ऐसा विचार करके उस खास दासी ने अपनी बेटी और उसकी सहेली को बुलाया, उन्हें ढंग के कपड़े पहनाए, फिर उन्हें लेकर रात के अंधेरे में चल पड़ी और 36वें द्वार तक पहुंच गई। अब तक चांद निकल आया था, अंधेरा छट गया था। दासी ने देखा कि सामने दुधिया रंग का महल था। वह फौरन उस महल को पहचान गई और अपनी लड़की और उसकी सहेली को समझा बुझा कर लौट आई। दोनों लड़कियां महल के पास पहुंचकर इधर उधर घूमने लगीं। उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक लड़की ने खिड़की पर बैठे एक साधु को देखा। उसने अपनी सहेली के कान में धीमे से कहा कि हमें कोई देख रहा है। वह अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी उसके पास एक तीसरी लड़की आई जो तोते के महल में रहती थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, बात 6 कानों तक पहुंच गई, चलो बाबा बुला रहे हैं। वे दोनों बहुत घबराई, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं था। जादू जैसी शक्ति से वे अपने आप ही खींची चली गईं। मंत्री भी मौके की ताक में था। वह घात लगाकर अपने विश्वासपात्र गुप्तचरों के साथ महल के पास एक तरफ छिपा हुआ था। दोनों लड़कियों ने देखा कि उस तीसरी लड़की ने दीवार पर हाथ फेरा, तभी वहां एक दरवाज़ा खुलता नजर आया। दरवाज़ा जैसे खुला अंदर से आवाज़ आई, मंत्री जी आप भी अंदर पधारें। मंत्री आवाज़ सुनकर शक पकाया और कोई चारा न देख वह भी चल पड़ा। अंदर आकर मंत्री ने देखा कि राजा के पास एक साधु बैठे हैं। दोनों लड़कियां एक कोने में खड़ी हैं। तभी मुस्कुराकर साधु मंत्री से बोले, राजा का तख्ता पलटना इतना आसान नहीं। हाँ, बात 4 कानों तक रहती तो तुम मेरी पहुंच से बाहर होते, मगर तुम्हारी साजिश की हर बात प्रत्येक बार 6 कानों तक पहुंची। जानते हो वे 2 कान किसके थे? वे दोनों कान मेरे ही थे। मेरे ये दोनों कान छत्तीसगढ़ में घूमते रहते हैं। मंत्री को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा तो सचमुच साधु के कान नहीं थे। ठीक उसी समय हवा में उड़ते हुए 2 कान आए और साधु के चेहरे से चिपक गए। यह मंजर देख मंत्री अत्यधिक भयभीत हो गया। राजा शांत थे। साधु बोले, महाराज रानी को भी बुलवा ही लीजिए। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। साधु ने हवा में हाथ हिलाए। उसी समय सोती हुई महारानी का पलंग हवा में तैरता हुआ वहां आ पहुंचा। महारानी ने आंखें खोली तो देखती ही रह गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। साधु कहने लगे, महारानी आप तोते को मारना चाहती थीं, मगर क्यों? अगर तोता ना होता तो आपका छत्तीसगढ़ कब का धूल में मिल गया होता। इस पर घोर संकट था। अब कोई भय नहीं, अपने राजा को संभालिए। और अब यह तोता विदा लेता है। ये कहते हुए साधु ने हवा में हाथ हिलाए और देखते ही देखते एकदम से उनका शरीर तोते में बदल गया। तोता उड़कर महल की मीनार पर जा बैठा। सभी ने देखा कि उसके बैठते ही मीनार नीचे गिर गई, उसमें से काला धुआं उठा।
आकाश काले धुएं से भर गया। वह तोता उन्हीं काले धुओं में कहीं खो गया। महारानी आश्चर्य से राजा की तरफ देख रही थी। राजा ने कहा, वह एक सिद्ध योगी थे, अपना कार्य पूर्ण कर प्रस्थान कर गए। मंत्री राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपने किए अपराध के लिए राजा से क्षमा याचना करने लगा, पर राजा ने उस मंत्री को क्षमा नहीं किया और षड्यंत्र रचने के अपराध में उसके दोनों कान काट कर देश निकाला कर दिया। दोस्तों, सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं, अतः कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए, वरना इसका अंजाम राजा के मंत्री की तरह ही होता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।